नमस्ते दोस्तों, ये जो वीडियो है ये एक बहुत ही खास पर्पस के साथ बनाया जा रहा है और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ये मध्य प्रदेश में जो अभी हाल में सियासी दंगल चल रहा है, जो तख्ता पलट का, उस विषय को लेकर है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि मैं एक निष्पक्ष के तौर पर अपनी बातें रख रहा हूँ। मेरा हाल फिलहाल किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ मेरी बातें और मैं आपके सामने ऐसी बातें शेयर करने वाला हूँ कि आप भी सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो आप सभी जानते हैं कि आज से 1.5 साल पहले मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें शिवराज सिंह जैसे दिग्गज नेता को किसने हराया? मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान आता है, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे इस बात से, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में बहुत समय तक रहा हूँ तो मैं ये बात जानता हूँ कि मध्य प्रदेश की सियासत में कमलनाथ जी का प्रभाव कितना है। ज़्यादा से ज़्यादा 30%, लेकिन मोर देन 50% प्रभाव है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, जिन्होंने अपने दम पर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इतनी सारी सीटें दिलाकर दिए कांग्रेस को। तो सब लोगों ने क्या सोचा, यार इतना आकर्षक व्यक्तित्व है उनका, जब वो बातें करते हैं तो यूथ उनसे कनेक्ट होता है। तो सब लोगों को क्या लगा कि यार अब कांग्रेस इतनी सारी सीटें तो जीत गई, तो ये भी तय है कि कांग्रेस से किसको मिलने वाली मुख्यमंत्री की सीट, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को वो सीट नहीं मिली। कारण ये बताया गया पार्टी के हाईकमान की तरफ से, कारण ये बताया गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वरिष्ठ नहीं है पार्टी में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वरिष्ठ है कमलनाथ जी, इसलिए मुख्यमंत्री की जो सीट है वो कमलनाथ जी को सौंप दी गई। दोस्तों, मैं आपको कमलनाथ जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। कमलनाथ जी कांग्रेस के बड़े पुराने सदस्य हैं, बड़े माहिर खिलाड़ी हैं राजनीतिक हैं, और उन्होंने संजय गांधी जी के साथ काम किया, राजीव गांधी जी के साथ भी काम किया। दूसरी बात, चलो आपने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, कम से कम आप उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाते, वो भी नहीं। आपने उन्हें एटलीस्ट कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष का पद भी नहीं दिया। आप सोचिए, इतना आकर्षक व्यक्तित्व वाला इंसान, जिनकी चुनावी रैलियां जब अगर होती हैं, अगर कोई गया होगा तो वो बड़े आकर्षक व्यक्तित्व है उनका। वो जब बात करते हैं तो यूथ उनसे कनेक्ट कर पाता है, वो युवा है तो यूथ उनसे बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेता है। आपने उन्हें वो पद भी नहीं दिया, और ऐसे समय में जब आप मुझे बताइए कांग्रेस पार्टी, थोड़ा उनका समय खराब चल रहा है। मैं किसी पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, किसी पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आप सोचिए, ऐसे समय में जब सोनिया गांधी जी थोड़ी बीमार चल रही हैं, जब राहुल गांधी जी थोड़े से नॉन इंटरेस्टफुल दिखाई देते हैं पार्टी के संगठन के काम करने को लेकर, जो उनकी कोर टीम है उसकी मेकिंग को लेकर, तो आप इनको कमान क्यों नहीं दे रहे? और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने उन्हें कोई अच्छा पद दे दिया होता ना, आप सोचिए वो कितने बड़े इंसान हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की है। अगर किसी इंसान को जो उसने मेहनत की है उसका अगर मोटिवेशन नहीं मिलता, उसको थोड़ा प्रेज नहीं मिलता, उसको कुछ इंसेंटिव नहीं मिलता है ना, तो यही होना है फिर वो पार्टी छोड़कर चले गए। आप सभी ने देखा, और पार्टी छोड़ने के बाद उन्हें सबसे अच्छा क्या लगा, उन्होंने अपना पाला बदल लिया। और ये सही भी बात है, मैं आपको ऐसे ऐसे कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ ना। जब लोकसभा चुनाव हुआ तो ऐसी तरकीबें चली गई कि उन्हें लोकसभा चुनाव हरा दिया जाए। वो भी कौन लोग थे जो कि कांग्रेस के समर्थक थे और कमलनाथ जी के समर्थक थे, ये बात भी आप याद रखिए। मैं ये बात एकदम श्योरिटी के साथ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे जो बात सुनाई दी है, जो बात समझ में आई मेरे एनालिसिस के बाद, वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। और जब ये बात ज्योतिरादित्य जी को पता चली कि भाई घर के लोग ही घर के सदस्य के अगेंस्ट में आ गए, तो उस घर में रहने का कोई मतलब नहीं है। और आप देख रहे हैं आज पार्टी किस हालत में है, पार्टी हाशिए पर आ गई है, और आज सत्ता हाथ से शायद निकल भी जाए। आज की डेट है 20 मार्च 2020, और आपके हाथ से मध्य प्रदेश भी निकल गया। सोचिए, आपने कितनी अच्छी इमेज बनाई थी, आप धीरे धीरे राज्यों को फिर से कैप्चर करते जा रहे थे आपकी पार्टी में, लेकिन नहीं। मुझे क्या लगता है ना कि इस पार्टी में ऐसा है कि कोई भी नेता अगर आगे बढ़ता है या उसका सितारा थोड़ा चमकता है, राज्य में उसकी थोड़ी बात बनती है, तो उसे दबाया जाता है। क्यों दबाया जाता है? क्योंकि अगर इसे नहीं दबाया गया तो राहुल गांधी जी को कौन पूछेगा, हाईकमान को कौन पूछेगा? अब सीधी सी बात, एक शब्द में, एक वाक्य में मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, एक वाक्य में मैं कहना चाहूँगा कि भाई राहुल गांधी जी को थोड़ा पूछा जाए, प्रेस किया जाए, उनकी इज्जत आबरू बनी रहे पार्टी में। इसीलिए अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धारी घोषित करने के लिए एकलव्य से उसका अंगूठा काटने के लिए कहा गया। अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे इतनी ही बातें कहनी थी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन मैं आपसे लास्ट में जाने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा। देखिए, मैं कोई
राजनीति का विश्लेषज्ञ तो नहीं हूँ, और मैंने पहले ही कहा है कि मेरा किसी पार्टी से हाल फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि पैर पर खुलाड़ी मारना हो तो कोई इस पार्टी से सीख सकता है। दोस्तों, अगर हमें आगे बढ़ना है तो अपनों को आगे बढ़ाना होगा। ये जेलस, ये जो चीज़ है ना, इसके कारण हमेशा नुकसान ही हुआ है, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो घर के लोग हो, चाहे वो कोई बिजनेस कॉरपोरेशन हो। अगर कोई आगे बढ़ता है तो हमें उसे प्रेस करना है, उसका उत्साह बढ़ाना है। और अगर आपको इतनी चुल मची है तो आप कंपटीशन कीजिए ना, एक हेल्दी कंपटीशन कीजिए ऐसे इंसान के साथ। बस मुझे इतनी बातें कहनी थी। धन्यवाद, शुक्रिया।